330 दे दो आज, ठीक है। पार्टी मिल गई है और हम जो है इसको पर्सनल वे पर ले करके जा रहे हैं, और कल से मैंने जाकर, हाँ मैं तो डिलीवरी कर रहा था तो मेरा तो इसमें वो नहीं, पर फिर भी देखो फील तो होता है ना। हमने एक पार्सल ड्रॉप किया था सेक्टर 74 का सुबह सुबह, और जिसकी आपने वीडियो भी देखी थी, और कल उस पार्सल में कुछ ऐसी चीज़ थी जो उस कस्टमर को नहीं चाहिए थी, और इसलिए उन्होंने वो चीज़ें जो है वापस मेरे को दे दी थी, वापस मतलब कि ले जाने के लिए, क्योंकि मैं यहीं पर ही, मेरा रेजिडेंस है पास में ही, और मेरा ये पास से ही था, तो इसलिए मैंने वो वाला पार्सल ले लिया था वापसी में, और शाम को मैंने वापस आते वक्त कस्टमर को वो सामान दे दिया था जो उनको नहीं चाहिए था, और अब उनको जो सामान चाहिए उसके लिए मेरे पास कॉल आई है। सेक्टर 72 का वही वाला जो पार्सल था वो दोबारा जा रहा है पर्सनल, यानी कि हमारे को एक पर्सनल पार्टी मिल गई है और हम जो है इसको पर्सनल वे पर लेकर के जा रहे हैं, और कल मैंने जहाँ से पिकअप किया था मैं वहीं पिकअप पॉइंट पे आया हुआ हूँ। कल हमने लिया था पार्सल, ये वही वाला है। अब ये अच्छा जो उन्होंने मंगवाया था वो सामान, अब इसमें यह है कि जो मंगवाया वो है ना, नहीं चेंज करके तो अब कोई वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं। अच्छा, और मेरे पास ना उनका नंबर नहीं है, मेरे को उनका एक बार नंबर दे दो आप, क्योंकि मान लो मेरे को वहाँ जाके दिक्कत ना हो। वैसे पोर्टर करता नहीं है, हम लोग रिटर्न में लेके आए, अगर शायद मेरी जगह कोई और राइडर होता तो वो इनसे पैसे मांग सकता था, पर क्योंकि मेरा रेजिडेंस ही का है तो फिर मैंने कहा यार आपसदारी वाली भी कोई चीज़ होती है, और देखो आपसदारी, जब एक कहावत भी हमने सुनी है कि कर भला तो हो भला, यानी कि कल अब मैं इनका सामान लेके आया हूँ तो अब क्या है, वापसी में मेरे को वही वाली ट्रिप ऑफलाइन मिली हुई है, तो ऑफलाइन में जो है कंपनी का जो कमीशन होता है वो हमारे को ही बच जाएगा। अभी ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स के आइटम है टोटल, अब बहुत शानदार काम है, सारा चावड़ी बाजार से माल उठता है। सर मैं आपका पार्सल लेके आ रहा हूँ इधर विश्वकर्मा कॉलोनी पलासपुर से, आ जाओ। तो आप वहीं पे मिलोगे या कल मिले थे हम? ठीक है सर, ठीक है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अपने को भाई गुड़गावा का एक पार्सल मिल गया है सेक्टर 72 का ऑफलाइन। अब ऑफलाइन में कंपनी की कोई ऐसी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है किसी तरीके का कि हमें अभी देना है, तभी देना है, जब ही देना है। और मेरी कस्टमर से बात हो गई है, मैंने उनसे उनकी लोकेशन भी मंगा ली है, तो हम ये जो पार्सल है ना इसको बिल्कुल रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं इस पार्सल का। और दूसरी चीज़ ये है कि आज मेरे को शाम को वापस 4 बजे घर पर आना है, क्योंकि मुझे किसी एक फंक्शन में जाना है द्वारका अमराई में, हमारा एक फंक्शन है, दो बुआ है मेरी उनका मतलब फंक्शन है, तो मैं फंक्शन में जाना है, इसलिए मुझे वापसी भी आना है भाई 4 बजे से पहले पहले। 12 बज रहे हैं, 4 घंटे हैं हमारे पास, 4 घंटे में हमें ये ड्रॉप करके वापस आना है, और चाहूँ तो मैं और पार्सल ले सकता हूँ, पर उसमें क्या है ना फिर मेरे ऊपर ये दबाव बन जाएगा आने का, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पर आने का दबाव बने। 37 किलोमीटर की ट्रिप है यार, ये मान लो कि चलो 80 रुपये का पेट्रोल तो मेरा जाएगा ही जाएगा जाने में। और कल की अगर मैं बात करूँ तो जो कस्टमर थे जिनका हमने पार्सल ड्रॉप किया था, उनका जो ट्रिप फेयर बना था वो 370 रुपये 367 रुपये बना था, और जो उसमें कंपनी ने हमारे को दिए थे वो 330 रुपये दिए थे। और मैं आपको बता दूँ कि उस कस्टमर ने मेरे को ना 500 का नोट दिया था, और मैं उनसे बोल रहा था कि सर मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ आपका जो बैलेंस है, और उन्होंने मुझसे बोला कि रख लो यार ये तुम्हारे ही, मतलब कि उन्होंने मेरे को वो टिप दे दिया था, और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई थी पर क्या है कि रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई अब, क्योंकि कल बारिश थी ना, वो पानी से पानी की स्क्रीन पर कौन सा क्या बटन दबा, और उसकी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, तो कल उन्होंने टिप दी थी मुझे। ये तो नहीं है कि हम उनसे आज कोई टिप की उम्मीद कर रहे हैं, पर यह है कि आज मैं सोच रहा हूँ उनको उनसे थोड़े पैसे कम ही लूँगा कल के मुकाबले, तो 367 जहाँ बन रहे थे वहाँ मैं उनसे 340 या 330 रुपये ले लूँगा। 330 रुपये जैसे कंपनी का बन रहा था ना हमारे लिए अर्निंग बन रही थी 333 रुपये, तो मैं उनसे लगभग 330 रुपये ही लूँगा, चाहूँ तो ज़्यादा ले सकता हूँ पर 330 ही लूँगा, और उनसे उनका नंबर सेव कर लूँगा लेके, ताकि गुड़गावा से कभी कोई ऐसा सौदा टकरा जाए तो ये ट्रस्ट होता है आपस में एक दूसरे से। मैं अगर मान लो उनसे उनका नंबर ले लूँगा, उनका नंबर मेरे पास रहेगा, तो मैं कभी कभी जैसे
गुड मॉर्निंग वगैरह का इधर उधर का मैसेज करके ना सामने वाले को नोटिस रखूँ कि हाँ भाई, तो ये चीज़ है। मार्केट धीरे धीरे अगर आप अपनी बना लोगे ना इस काम के अंदर, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। थोड़ी बहुत अपनी मार्केट भी होनी ज़रूरी है, ताकि काम जो है, अब ये वाला काम है, मान लो मुझे गुड़गांव जाना है, अगर मुझे ट्रिप पैसे नहीं मिल रही होती तो मैं क्या करता। ड्यूटी होने भाई, मैं तो चाहता हूँ ओला अगर बच गया तो बल्ले बल्ले, और वरना यहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं ना, ये शिव दुर्गा विहार लक्कड़पुर और ये चामबुड़ का एरिया है, अगर मैं यहाँ पर वेट कर लूँगा ना 10 मिनट भी, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, तो यहाँ से 100% गुड़गांव का पार्सल मिल जाता है यहाँ। पेट्रोल ले ले, पेट्रोल लेना हो तो ले लो किसी को। क्या भाव है भैया? 97 रुपये किलो। एक काम करो भाई, 160 रुपये का डाल दो। 160। ठंडा है ना? 150। ठंडा है ना? हाँ नॉर्मल, गर्मी ज़्यादा है ना। देखो चला लो, चला लो। अरे वाह वाह भाई साहब, टाँका कैसे मारते हैं ये बता दो। टाँका सर तुम्हें ही बता दूंगा तो मैं क्या जानूंगा। नहीं बताओ वैसे के पास, ईमानदारी से बताना। सुनो टाँका लग जाता है क्या? ना मालूम है, ना मालूम है, नहीं मालूम। हाट बढ़ाने से है टाँका नहीं लगता है। कोई कहता है भीड़ मत करो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई यूँ कहता है कि फीड मत करवाया करो भाई। इसका पासवर्ड मैं यहाँ डालूँगा, आपको नहीं दिखाऊँगा। ये लो, एक सौ 160 रुपये का पेट्रोल डलवाया भाई हमने। हमारा 160 के पेट्रोल में आना जाना हो जाएगा बड़े आराम से, बाकी जो है देखेंगे बाद में। कल भी हम यहीं एक पार्सल ड्रॉप करने आए थे, टाटा परिमंती, और आज भी हम यहीं आए हैं। तो ये वाला पर्सनल था, जैसा कि मैंने आपको हमारी इस वीडियो में बताया भी है, तो ये पर्सनल है। अब वापसी में मुझे घर के लिए एक पार्सल चाहिए, और पिकअप करने के लिए आ रहे हैं। वो यहीं आसपास रहते हैं, हो सकता है उनकी लोकेशन उतनी सेट नहीं बैठ पाती होगी, इसलिए वो यहाँ की लोकेशन देते हैं। कल आपका पार्सल मैं लेके आया था, हाँ। और आपने हमें टिप भी दी थी जी। पर यह कि कल आपका काम बन नहीं पाया था, कोई बात नहीं। पर यह कि मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ। नहीं दुख होने कोई बात नहीं। अच्छा दुख वाली कोई बात नहीं, हाँ। अब आपका सामान आप चेक कर लो एक बार, ठीक है सामान। मेरी पेमेंट आप 330 दे दो आज, ठीक है। मैं थोड़ा कम ही लूँगा आज मैं। आप जो है आपका नहीं, ठीक है बिल्कुल ठीक है। आप पेटीएम कर दो 9718। मैं आपको बारकोड दूँ आपका, वो दो बारकोड दे देता हूँ आपको। कल सर का हमने एक पार्सल लिया था, और आपने वीडियो में देखा भी है, मैंने सारी चीज़ें शो की हुई हैं उसमें। और मेरे को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि सर ने कुछ चीज़ मंगवाई, और सर का काम ना, हाँ मैं तो डिलीवरी कर रहा था, तो मेरा तो इसमें वो नहीं, पर फिर भी देखो फील तो होता है ना, फील तो होगा, और फील होना भी चाहिए सर। आदमी का काम सफल जब होता है, जब वो काम सफल हो जाए, चाहे वो किसी भी रूप में देखा जाए तो। और वैसे भी मैं थोड़ा अलग माइंड का आदमी, तीन सौ 330 कर दो आप, ठीक है। यही बिल है ना? बिल कितना है एग्जैक्ट बताओ मेरे को आप। नहीं कोई कोई नहीं, कोई इशू नहीं, आप अपने उसमें कोई इशू नहीं, आप 330 कर दो, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये पर्सनली लेके आया हूँ मैं, मैंने वो पोर्टर से नहीं लिया वो है। अच्छा। तो इसलिए, और क्योंकि मेरे को कल वाला सीन याद था, मैं इसलिए आ भी गया। अगर कल वाला सीन जो हमारा हुआ था ना क्रिएट, कि भाई ऐसा मेरा सामान वो नहीं आया। ओके हाँ, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बढ़िया आदमी, बहुत अच्छा। Step 3, grow high about what you want to be. Step 4, everybody just